क्लास टेंथ का एक ऐसा स्टूडेंट जो कि फाइनल एग्जाम्स के अंदर 98.4% लेकर आया, उससे मैंने एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है, तो उसका आंसर ये था कि भैया टाइम टेबल बनाना ना एक कला है, एक आर्ट है। अगर आपने इस कला को समझ लिया ना, अगर आपने ये जान लिया कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है और उसे फॉलो कैसे किया जाता है, तो आपकी 95 से कम तो आई नहीं सकती। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हमारा 9th और 10th का चैनल। देखो, आज का टॉपिक सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल फॉर 9th एंड 10th, दोनों की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 9th की नहीं कर रहा, सिर्फ 10th की नहीं कर रहा, दोनों स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप 10th वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। देखो यार, मैंने ना कई टॉपर से अभी के टाइम पे बात करी जो कि हमसे पढ़े थे पिछले साल, और उनकी बहुत अच्छी परसेंटेज आई, जैसे कि 98, 99, उन सबसे मैंने बात करी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि अरे टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, इसको फॉलो कैसे करते हैं, क्या तुम्हारे साथ वो वाली प्रॉब्लम नहीं आई कि टाइम टेबल बनाते तो हैं बट फॉलो नहीं हो पाता? तो हर किसी का आंसर अगर तुम सुनोगे ना, तुम शॉक हो जाओगे। आंसर सबका सेम था कि भाई टाइम टेबल हमने भी बनाया और हमसे भी फॉलो नहीं हुआ और हम भी डिमोटिवेट हुए। मैं शॉक हो गया सुन के कि अच्छा टॉपर्स के साथ भी होता है। फिर उनकी सेकेंड लाइन भी सेम थी, फिर उन्होंने ये बोला कि भैया पर हमने ना टाइम के साथ सीख लिया कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है, हमने एक स्ट्रेटेजी जान ली कि टाइम टेबल ऐसे 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 बनाया जाता है। अभी तक तुम्हारे स्कूल के अंदर, तुम्हारे कोचिंग के अंदर, यूट्यूब के अंदर सब तुम्हें कैसे बता रहे थे कि टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए, तुम्हें ऐसा कुछ टाइम टेबल सबके सब दे देते हैं, तुम पूरे यूट्यूब को छान लेना, सब तुम्हें ऐसा टाइम टेबल पकड़ा देंगे कि अच्छा देखो सुबह उठना 5:30 बजे 6 बजे, फिर ये करना, फिर ऐसे मॉर्निंग वॉक पे जाना, स्कूल चले जाना, फिर कोचिंग जाना, फिर उसके बाद ऐसे पढ़ाई कर लेना, इस प्रकार से तुम्हें टाइम टेबल देना। तुमने ऐसा टाइम टेबल बनाया भी होगा है ना, पर फॉलो भी नहीं हो पाया होगा, एक दिन हुआ होगा, दो दिन हुआ होगा, तीसरे दिन नहीं होता तो डिमोटिवेशन होती है, उसके बाद तुम बनाना ही छोड़ देते हो टाइम टेबल, होता है नहीं, होता है ना। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन जानता हूँ, बहुत डीप में समझाऊंगा, बातें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर हो सके तो कुछ लिख भी लेना, कुछ नोट्स भी बना लेना। देखो, ये वाला टाइम टेबल सबसे पहले हमें हमारी लिस्ट से हटाना पड़ेगा, इसको कर दो क्रॉस, ऐसा टाइम टेबल हमें नहीं बनाना। हमें क्या करना है, हमें टाइम के स्लॉट्स बनाने हैं, मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि हम कब अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मतलब भैया, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जो कि सुबह बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ जाते होंगे, है ना, और कुछ होंगे जो कि सुबह उठ ही नहीं पाते होंगे, जो कि रात को बहुत अच्छा पढ़ते होंगे 12 बजे 1 बजे, होते हैं ना ऐसे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह पता लगाना है तुम कौन से स्टूडेंट के अंदर आते हो, क्या तुम वो रात वाले स्टूडेंट हो या दिन वाले स्टूडेंट हो, तुम कौन से स्टूडेंट हो। और अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता चला है, इसका मतलब यह है तुमने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है मेरे दोस्त। बात शायद कड़वी है, बात शायद चुभेगी, मेरी सारी बातें तुम्हें चुभती हैं, बट मैं रियलिटी बताता हूँ। अगर तुमने अभी तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता तो तुम्हें पता होता कि तुम्हें रात में पढ़ना अच्छा लगता है या दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो। अब अगर तुम्हें यह पता चल गया कि तुम्हें रात में पढ़ना अच्छा लगता है फिर दिन में, तो उन दोनों के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। यहां पर मैंने दोनों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मैंने लिख रखी है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी, चाहे आप रात को पढ़ते हो या फिर दिन में पढ़ते हो फर्क नहीं पड़ता, बट आपको डेली 7 घंटे की नींद लेनी है। 7 घंटे क्यों बोल रहा हूं, तुम मेरी तरह 4-4 घंटे नहीं सो सकते, क्योंकि मुझे इतनी चीजें याद नहीं करनी होती, मुझे तुम्हारी तरह बुकों को रटना नहीं है, मुझे SST नहीं रटनी, मुझे हिस्ट्री नहीं रटनी, पर तुम्हें रटना है, तुम्हें याद करना है, तो तुम 7 घंटे सो, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे संडे हो मंडे हो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं, बट 7 घंटे सो, 7 घंटे से ज्यादा सोने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर तुम सोना स्टार्ट कर दोगे ना तो बॉडी आलसी हो जाती है, तो सबसे पहले नींद को लिमिट कर दो 7 से 8 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं पहला स्टूडेंट, इमेजिन करता हूँ एक स्टूडेंट है राम, एक है श्याम। राम जो है ना वो तो भाई सुबह उठ के पढ़ता है, उसे कहता है भैया सुबह उठूंगा मजा आ जाता है, तो मैंने कहा ठीक है भाई तू सुबह उठ ले। तो अब देखो इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। राम को क्या करना है ना, 4 या फिर 5 बजे जगना है सुबह, हाँ सुबह जगना पड़ेगा, स्कूल जाने से पहले, काफी पहले। इमेजिन करता हूँ आपका स्कूल 7:30 बजे, तो आप 5 बजे जगो, अगर आपका स्कूल 6:30 बजे तो आपको 4 बजे जगना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इमेजिन करता हूँ राम 5 बजे जगता है। अब राम को क्या करना है ना, सुबह उठते ही 1 घंटे पढ़ना है, 1 hour of self study, 1 hour of self study बिफोर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले 1 घंटे राम को देने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। एक एवरेज एक टॉपर बच्चे में डिफरेंस बताऊं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, सुनकर शायद तुम शॉक हो जाओगे। एक टॉपर होता है ना, वो जब भी अलार्म बजता है ना उसका सुबह, कि भाई उठ जा अलार्म बजता है ना, तो उसके अपने मन में ये थॉट नहीं आने देता कि यार 5 मिनट और सो लेता हूं, 10 मिनट और सो लेता हूं, नहीं, वो बोलता है चल भाई खड़ा हो जा पढ़ाई स्टार्ट करनी है। एक एवरेज बच्चा सोचता है कि यार अगर आज नहीं उठा तो क्या होगा, वो खुद को एक्सक्यूजेस देने लगता है कि यार
कोई बात नहीं ना, कल पढ़ लूंगा ना यार, परसों पढ़ लूंगा ना, अभी तो एग्जाम बहुत दिन में, पर इस वक्त जैसे वो एवरेज है। तो सबसे पहले तो अलार्म बजा, फटाफट से उठे और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक घंटे स्कूल जाने से पहले पढ़ना है सेल्फ स्टडी। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया सेल्फ स्टडी में क्या पढ़े, या तो जो तुम पढ़ते हो उसको रिवाइज करो, या फिर तुम्हारे कोचिंग के अंदर कोई असाइनमेंट मिला होगा, मैथ की कोई प्रॉब्लम मिली होगी सॉल्व करने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए बोला होगा वो पढ़ लो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजरली तीन सब्जेक्ट की बताता हूं, SST, साइंस, मैथ। अगर आपको अपने बोर्ड्स के अंदर 95-98 स्कोर लाना है ना, तो इन तीन सब्जेक्ट को अभी से बेहतरीन कर लो। कैसे बेहतरीन करोगे, वो तुम कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन बैंक से, मतलब तुम्हें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लेना है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बैंक सजेस्ट कर देता हूं जो कि है ओसवाल का, क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को सभी को वही सजेस्ट करता हूं, मैं उससे पढ़ाता भी हूं, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं। तुम चाहे तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे ले सकते हो, या फिर तुम अपने ऑफलाइन स्टोर आसपास में कहीं मिलता होगा उससे जाकर ले लेना ओसवाल बुक की क्वेश्चन बैंक, साइंस की, मैथ की, SST की, तीनों की ले सकते हो। ये क्यों मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, ये मेरे पास भी है ऑलरेडी, क्योंकि मैं इससे पढ़ाता भी हूं। मैं तुम्हें इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग सवाल दे रखे हैं, जैसे हमारी साइंस की है, और इसके अंदर सवाल का लेवल बहुत बढ़िया है, CBSE के लिए आती है, इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए भी ये बुक इनफ है। उसके अलावा इसके अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स भी मिल जाते हैं, निमोनिक्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। तो देखो बड़ी अच्छी किताब है, कलरफुल किताब है, पढ़ाने में भी मजा आता है और स्टूडेंट्स को पढ़ने में मजा आता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन ले लेना चाहे, या फिर ऑनलाइन मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है ये भी बता दिया। अब क्या भैया एक घंटा इनफ है क्या? वैसे एक घंटा तो इनफ है, बट आप स्कूल से जब वापस आते हो ना, आपको रात को टाइम मिलता है, तो आधे घंटे और पढ़ लो। तो मैं आपसे क्या डिमांड कर रहा हूं, मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं 1.5 आवर की स्टडी, डेढ़ घंटे की स्टडी मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं। सेम जो रात को लेट पढ़ते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, उनके लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि देखो भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जब भी तुम स्कूल से आते हो, फिर तुम कोचिंग जाते हो, फिर रात को खाना वाना खाते हो, डिनर करते हो, उसके बाद से तुम्हें पढ़ना स्टार्ट करना है। इमेजिन करो मैंने डिनर कर लिया 8 या 9 बजे मैंने डिनर कर लिया, अब 9 बजे मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा और मैं एक घंटे पढ़ूंगा कॉन्टिन्यूअस सेल्फ स्टडी जैसे यहां पर करी थी। तो 9 से 10 में क्या करूंगा, एक सेल्फ स्टडी कर लूंगा एक घंटा। उसके बाद ना एक घंटे बाद ना आपका दिमाग थक जाएगा, बोर होने लगोगे, आपका मन चलेगा फोन चला लेता हूं यार, इंस्टा रील चला लेता हूं यार। मन को मना करना है, और आपको क्या करना है, आपको होमवर्क करना है। बहुत सारे बच्चों को होमवर्क मिलता होगा, है ना, होमवर्क करना है आपको, होमवर्क का टाइम निकालना है केवल आधे घंटे। और देखो होमवर्क में ना आपको कोई भी आपका दिमाग ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है होमवर्क कैसे किया जाता है, वो तो बस लिखना होता है। तो होमवर्क में आपका कोई भी टाइम खराब नहीं होगा, आधे घंटे के अंदर जो भी होमवर्क है डेली का खत्म कर दो। अब जैसे ही आपने आधे घंटे का होमवर्क करा, तो आधे घंटे फिर से सेल्फ स्टडी के लिए निकाल दो। तो यहां पर भी अपने कितने हो गए, यहां पर भी अपने हो गए डेढ़ घंटे, 1.5 आवर्स। और एक चीज याद रखना, अगर आप रात को पढ़ते हो तो 2 बजे से पहले सो जाना, चाहे कल संडे क्यों ना हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया कल तो संडे है, लेट उठेंगे, क्या जल्दी है सोने की, नहीं 2 बजे सो जाओ। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यार देखो 2 बजने के बाद ना आपको भूख लगने लगेगी, फिर आप जाओगे किचन में, फिर आप मैगी ढूंढोगे, मैगी बनाओगे, और मैगी ऐसे थोड़ी ना खाई जाती है, मैगी के लिए आप फोन चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे, कुछ ना कुछ देखोगे, और उससे आप बहुत लेट नाइट को सोओगे, 2 के 4 बज जाएंगे, 4 के 5 बज जाएंगे। तो 2 बजे की देर तो करनी ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 बजे हमें सो जाना है। तो दोनों टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, मॉर्निंग बता दिया, नाइट बता दिया, आई होप कि दोनों क्लियर हो गए होंगे कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि यार भैया हमारी समर वेकेशन आ रही है, तो अगर आपकी समर वेकेशन आ रही है और आपको चाहिए कि मैं एक समर वेकेशन के लिए डिफरेंट टाइम टेबल बना दूं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसके अलावा एक लास्ट चीज बोलूंगा, यार देखो कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, हर रोज पढ़ो, एक घंटा डेढ़ घंटा बस इतना पढ़ लो हर रोज। ये जो तुम देखते हो ना 98-99, तुम्हें लगता है ये तो जीनियस बच्चा है, वो जीनियस नहीं है, वो हर रोज पढ़ा है, उसने एक भी दिन मिस नहीं करा, चाहे उसके चाचा की शादी है, मामा की शादी है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसने हर रोज पढ़ाई करी है। बस एक घंटा हर रोज निकाल दो, मैं बोल रहा हूं इस साल अगर तुमने एक घंटा हर रोज मेहनत लगा दी ना, एक घंटे में क्या होता है यार, एक घंटे में तो तुम एक पबजी का मैच खेलते हो, BGMI का मैच खेलते हो, एक घंटा बस निकाल दो, ये लाइफ बदल सकती है तुम्हारी। ये 10वीं का नंबर जब तुम्हारे आएंगे ना, और जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कहेंगे कि यार बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, वो शब्द जो है ना वो सीधे दिल पे लगते हैं, इसलिए बता रहा हूं। इस बात को याद रखना कि हमें बस कम पढ़ना है बट हर रोज पढ़ना है। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, और अगर आपको वीडियो चाहिए समर वेकेशन के ऊपर तो कमेंट जरूर करना। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।